students, let's continue with admission of partner, page number 161, sum number 2nd, practical problems. Amalandu and Samir are sharing profits and losses in the ratio 3:2. Old ratio is given as 3:2. Their balance sheet on 31st of March 2017 is as under. Balance sheet is given and there are some adjustments. On 1st April, they admitted Paresh. So, ASR. ASR. Okay. So we will tick mark the items which are related to adjustments. First is land and building, plant and machinery, stock, furniture, debtors. Land and building, plant and machinery, stock, furniture, debtors. सब पे तो adjustment है तो सबको ही tick mark करना पड़ेगा, okay? So चलो पहला काम. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. असेट. डेटस असेट में आएगा. हाउ मच? 24,000. आगे चलो. लैंड एंड बिल्डिंग असेट. हाउ मच? 50,000. आगे चलो. स्टॉक असेट. हाउ मच? शोलो. आगे चलो. प्लांट एंड मशीनरी असेट. हाउ मच? 20. आगे चलो. फर्नीचर एंड फिक्स्चर. हाउ मच? 8,000. असेट इनर कॉलम. आगे चलो. लाइबिलिटी में है क्या लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स इस 10,000. आगे. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए का कितना है? 60. एस का 40. आर का, सॉरी परेश है ना, पी एस पी परेश का नहीं है, डैश. आगे चलते हैं. बैंक कैश एट बैंक 12,000. सो आई विल प्रिपेयर वन वर्किंग नोट दैट इज कैश बैंक अकाउंट. आई विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है कैश का बैलेंस? 12,000. आगे चलते हैं. लास्ट में रिजर्व किसका? पार्टनर्स का बाय रिजर्व. बराबर ना? 20,000 है. रेशियो 3:2 है. सो 20,000 into 3 divided by 5. 5 1s are 5, 5 4s are. So 4 into 3 is 12,000 and 8,000. Hope this is clear. Okay, with this I complete with the posting of the balance sheet. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. Asset, 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 asset. Liability. Capital. Cash. Reserve, capital. So let's begin with the adjustments. Adjustment number 1. He shall pay 16,000 as his share of goodwill. 50% of goodwill shall be withdrawn by old partners. He shall pay 16,000 as share of goodwill. Entry. जगह क्रिएट कर रहा हूं बॉस. एंट्री करता हूं गुडविल के लिए. गुडविल अकाउंट बनाता हूं. चलो एंट्री. गुडविल लाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. कितना गुडविल लाएगा? शोलो. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. कैश बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखो? बोलेगा हाथ रख क्या दिखता है? टू गुडविल. सो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल. शोल्य गुडविल तेरे क्रेडिट में क्या लिखो? हाथ रख क्या दिखता है? बाय कैश बैंक. कितना? शोल्य. अरे बराबर क्या? जैसा गुडविल आएगा ओल्ड पार्टनर खाएगा. तो चलो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? ए टू एस
शोल्यो 3:2 ना तो डिवाइड बाय 5 5 5 3 15 5 2 3200 मतलब 6400 एंड 3 3 2 6 3 9 9600 ओके तो चलो गुडविल गुडविल तेरे डेबिट में क्या लिखूं 2A 2S 9600 6400 AS तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं बाय गुडविल 9600 6400 कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ आगे बोला गया है एंड 50% ऑफ गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करेंगे मतलब लेके जाएंगे तो पैसा जाएगा और कौन से अकाउंट में जाएगा पार्टनर के ए अकाउंट डेबिट एस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट कितना 50% ना तो 9600 का 50% 4800 इसका 3200 टोटल 7-8000 अरे बराबर 8000 लेके जाएंगे तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना 4800 एस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3200 और बैंक में क्रेडिट बाय ए बाय एस 4800 3200 आएगा कैपिटल का एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लाएगा परेश कितना 20,000 कैशबैंक तेरे डेबिट में क्या लिखूं टू परेश 20,000 परेश तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं बाय कैशबैंक 20,000 अरे बराबर दैट मींस सब मेजर एडजस्टमेंट क्लियर है अभी एसेट को ऊपर नीचे करने का एडजस्टमेंट फालतू है चलो पहला एडजस्टमेंट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 6,000 क्या हुआ रहेगा एड appreciation कितना 10,000 debit में add किया debit दूसरा effect credit by land and building कितना 10,000 okay adjustment number 2 is plant and machinery at Sholo क्या हुआ रहेगा depreciation कितना 4,000 depreciation का दूसरा effect 2 plant and machinery 4,000 easy आगे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर सी स्टॉक वैल्यूड एट 20,000 फर्नीचर एट 4,000 स्टॉक 20 एड एप्रिसिएशन 4 डेबिट में ऐड किया डेबिट दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय स्टॉक हाउ मच 4,000 इजी एंड फर्नीचर एट 4,000 फर्नीचर एट 4,000 सो लेस depreciation how much 4,000 दूसरा effect 2 furniture 4,000 okay last adjustment is provision of 5% on doubtful debt debtors the 5% less RDD 5% आएगा 1,200 to RDD 1,200 Okay, so with this we complete our problem. Problem was very simple. Only the difficult part was goodwill. Otherwise the problem is simple. Now closing. Okay, chalo let's do the closing. Closing mein first account is profit and loss account. We have to close this profit and loss account first. So total is 14,000. Total is 14,000. 14 minus 8 is 6 minus 1 is 5. 5,000. 5,000 plus 4,995,000 14 minus 9 is 5,000 minus 200 is 4,800 keys ka partners ka A or S do partners ka in the ratio 3:2 so divide by 5 4,800 divide by 5 is 5 9's are 45 5 6's are 30 so 960
multiplied by 2. 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 1, 2 9 are 18, 19. 1920. And multiply by 3, 3 0 0, 3 6 are 18, 8 1, 3 9 are 27, 28. 2880 and 1920. Total is 4800. Perfect. Debit. तो यहाँ पे क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना 2880 1920. ओके क्लोज दिस अकाउंट. क्लोज दिस अकाउंट हियर यू विल गेट 20,000 इज द डिफरेंस. ये अच्छा है, सबको अच्छा लगेगा. 58 54 400 54 400 48 plus 6 is 54 54 plus 1 is 55 56 56,320. ओके एक बार चेक कर लेते. 0 0 0 का 2 4 प्लस 9 इज 13 3 1 1 9 9 plus 6 is 15, 16, 6, 1, 5, perfecto. 60 plus 12 is 72, 72 plus 9 is 81, 81 plus 2 is 83, 84, 480. एक बार चेक कर लेते हैं. 0, 8, 6 plus 8 is 14, 4, 1, 10, 12, 13, 14, 1, 10, 14, 4, 1, 84, 480 56 320 minus 56 minus 3 is 53 53,120. Okay, here you will get 84 minus 4 is 80,480. 80,000 minus 400 is 80,080. 80,080 minus 400 is 79,000. एक बार कर लेता हूँ. 84 480 minus 4800 is 0 8 14 minus 8 is 6 7 13 minus 4 is 9 79 680. Okay, 0 8 4 1. ओके टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट. सो यहां से क्रेडिट कैपिटल ए एस पी 79,680 53,120 20,000 टोटल. टोटल विल टैली. ओके टैली नहीं होगा जब तक कैश अकाउंट का पोस्टिंग नहीं होगा. 20,30,40 48,000 48,000 minus 7 8,000 is 40,000 by balance carried down credit. So debit 40,000. Goodwill account will tally. Total will be shoulder. This will tally. ओके एक बार ये टोटल चेक कर लेना बिकॉज कैलकुलेशन में हो सकता है कि मैंने किधर गड़बड़ किया. हो सकता है बट एक बार पहले टैली हो रहा है क्या चेक करो. टैली नहीं होगा देन चेक माय टोटल्स. ओके बाय बाय.